परबत्ता जिला परिषद सदस्य इब्राहिम शाह के पुत्र नूरपुर परबत्ता निवासी ने मोहम्मद यूसुफ ने परबत्ता थाना क्षेत्र के ठूठी गांव के पास थाने में रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज करवाई है। घटना बीते 27 जुलाई की बताई जा रही है। उन्होंने थाने में दिए आवेदन में कहा कि घटना के दिन 3 बजे मोटरसाइकिल से पाइप पहुंचाकर अगवानी से लौट रहे थे। ठूठी हनुमान मंदिर के निकट हथियार से लैस होकर 2 अज्ञात और 4 अज्ञात चेहरे में उसे मोटरसाइकिल रोक दी और उनके साथ आ रहे लोगों को लप्पड़ थप्पड़ से मारपीट की, उन्हें भी मारपीट की, गाली गलौज की, उसे खींचकर बगीचे में ले गए और जब से 25,000 रुपए ले लिए और 1,00,000 रुपया रंगदारी मांगी। अपराधी लोग परबत्ता बाजार में नशे की गोली और कोरेक्स सिरप पीकर आते हैं, जान से मारने का भय दिखा रहे हैं। घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने 2 अज्ञात और 4 अज्ञात लोगों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है। घटना के बाद से जिला परिषद सदस्य के परिवार दहशत में है। अपराधियों ने उन्हें ये भी कहा है कि किसी को बताओगे तो जान से मार देंगे। उन्होंने जान माल की रक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही की गुहार थाने से की है। इधर परबत्ता थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ ने विश्वकर्मा और छोटू समेत 2 अज्ञात और 4 अज्ञात लोगों पर शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने 6 लोगों पर घटना को अंजाम देने की शिकायत की। पुलिसिया कार्यवाही तेज कर दी गई है। मैं इब्राहिम शाह, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र संख्या 18, परबत्ता। मेरा लड़का यूसुफ शाह और हमारे पड़ोसी बगल में रहीम शाह का लड़का दोनों अगवानी तरफ से आ रहा था। उस बीच में ठुठी बजरंगबली के मंदिर के पास एक गुमटी है, उसी के पास से उसको सामान सटा करके दोनों लड़का को बगीचा में ले गया और बगीचा में ले जा करके शराब पिला करके इसके पास जो 25,000 रुपया था वो भी छीन लिया और 1,00,000 रुपया फिरौती कह करके कि आज जमा करो नहीं तो जान से मार देंगे। 6 हथियार के साथ 5 लड़का था और उसका नाम जो है, उसका नाम तो हम नहीं जान रहे हैं, FIR में नाम उसका 2 गो दर्ज किया गया है, 4 अन्य है। वो सब लड़का ठुठी का है और वो लड़का जो है उतना बदमाशी सबके साथ करता है। हमने थाना गए और बड़ा बाबू से गुहार लगाए, टेलीफोन से भी बोले कि सर हमारे लड़का के साथ ये अन्याय हुआ है, FIR किया जाए। तो बड़ा बाबू 27/7/2020 को हमने आवेदन, लिखित आवेदन दिए, बड़ा बाबू को 10 बार टेलीफोन से भी बताए गए कि वो लड़का फिर आ करके शराब पी के मेरे घर के आगे से 4 बार 5 बार 6-6 आदमी मोटरसाइकिल से हुलहुलाते हुए जाता आता है। रात में भी हम रात भर सोए नहीं हैं। हम जनप्रतिनिधि इब्राहिम शाह, जिला परिषद सदस्य हैं, हमारे साथ जान माल का सुरक्षा के लिए हमें सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। हमने 2 बार भी SP साहब के नंबर से, 94 वाले नंबर से हमने फ़ोन किए, बोला कि अगर थाना में आज FIR नहीं करेंगे तो आप सवेरे जो है हमको थाना से ही फ़ोन करेंगे और तब हम उनसे पूछेंगे। अभी जब हम बड़ा बाबू के पास गए तो 3 मुखिया, 1 पंचायत समिति, 1 हम जिला परिषद सबके समक्ष थाना में अभी आश्वासन दिए हैं कि अभी के अभी हम जो है FIR करेंगे और सभी लड़का को पकड़ करके सीधा करेंगे, जेल भेजेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आखिरी सवाल सरकार से यही कहेंगे, हमारे जान माल के सुरक्षा के लिए प्रशासन एवं सरकार गुहार लगाना।